इंजू सेकेंड आई एम एक्सपेंड यूनिट टू. डायरेक्टली मैं यूनिट टू स्टार्ट करती हूँ. ओके, यूनिट वन आप लोगों को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया. तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, देर आर फाइव टॉपिक्स, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनेसिस, क्लोनिंग, इथिकल इश्यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एंड क्लोन एनिमल, एंड लास्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखे थे स्कोप एंड अचीवमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इंक्लूड रहेगा. नेक्स्ट इज द ट्रांसजेनेसिस. इन ट्रांसजेनेसिस देर आर डिफरेंट मेथड्स आर इंक्लूडेड. इन ट्रांसजेनेसिस मीन्स रिट्रोवायरल मेथड है, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड है. नेक्स्ट इज द डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड, एंड लास्ट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड. ओके, so these method we have to learn in detail. ओके, सो यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी डायरेक्टली. जू सेकेंड का किसका माइक ऑन है चेक करो. ओके, so in zoo second unit 2 is the animal biotechnology. Okay, so there are five topics included in animal biotechnology. First is the biotechnology. Biotechnology mein kya include hai? Scopes and achievements of biotechnology means fishery, animal husbandry, animal industrial. Next is the transgenesis. So there are different methods included in the transgenesis. Okay, retroviral method, a nuclear transplantation method, DNA microinjection method, and a embryonic stem cell method. Okay, so मैंने ये आप लोगों को method explain की थी last lecture में, right? Next is the cloning. 12th standard में हुआ होगा आपका cloning और dolly. Yeah. Cloning is a technique. Technique scientists used to make exact genetic copies of living thing, means genes, cells, tissues, and even a whole animal can all be cloned. Okay, humko ye cloning ki study karni hai. Next is the ethical issues of transgenic and clone animal. Next point is the application of biotechnology. So application of biotechnology include the therapeutic or diagnostic genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy productions. So these are the application of biotechnology. The first topic hai, different topics included in the application of biotechnology. ओके, यूनिट जो है हमारा यूनिट टू है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, उसमें फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ टॉपिक क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बट उसके अंदर भी हमको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने,
ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज द डीएनए प्रिंटिंग. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ डीएनए प्रोफाइलिंग और मॉलिकुलर फिंगर प्रिंटिंग टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए प्रिंटिंग पैटर्न इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. And it is used to get the information about the genetic relationships of an individual. Okay, use kya hota hai wo? DNA fingerprinting is used to get the information about the genetic relationships of an individual. Okay, तो इसमें टेक्निक पढ़नी है हमको, स्टडी ऑफ टेक्निक इन ब्रीफ एंड इट्स एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस मीन्स क्राइम इन्वेस्टिगेशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन मेडिसिन्स. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द जॉइनिंग टूगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेसेस. द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट आर ऑफ वैल्यू टू साइंस मेडिसिन देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. ओके, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन मेडिसिन मीन्स रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन. इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. इंसुलिन क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन है प्रोड्यूस बाय अ बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक आइसलेट्स. ओके, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ मेन एनाबॉलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी. इट्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन बाय प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इन टू अ लीवर. ओके, नेक्स्ट इज अ जीन थेरेपी. जीन थेरेपी मीन्स इज अ मेडिकल फील्ड विच फोकसेस ऑन द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेल. ओके, जीन थेरेपी इज अ मेडिकल फील्ड विच फोकस ऑन द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस अ थेरापेटिक इफेक्ट और अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग डिफेक्टिव जेनेटिक मटेरियल. ओके, थेरापेटिक इफेक्ट और द ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है डिफेक्टिव जीन्स को. इसमें एक्स वीवो भी हमको पढ़ना है और इन वीवो. इन जीन थेरापी एक्स वीवो एंड इन वीवो सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डिफिशियंसी मीन्स एस सी आई डी और सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो एक्स वीवो मीन सुने कभी एक्स वीवो और इन वीवो? एनीवन नो व्हाट इज एक्स वीवो इन वीवो? एक्स वीवो मीन्स वन विच इज परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी विथ मिनिमल अल्टरनेशन ऑफ द नेचुरल कंडीशन. Okay, in vivo means one which is carried on inside the body of the living organism. In situ means which one is carried on exactly at the site place. Or ex vivo means one which is performed outside the body with minimal alternation of the natural condition. Okay, next is the green gene. Green fluorescent protein GFP from a jellyfish valuable as a reporter gene used to detect the food poisoning. So the green gene which code for the green light of the luminous jellyfish called Aquaria victoria turn green to indicate that other foreign gene inserted along with it have been accepted this genetic green light, and the green gene of inserted are both lit up because they line up DNA sequence controlled by a genetic on-off switch. Okay, here it comes with instrumentation. So tell me, what is instrumentation? No one knows what is instrumentation.
Yes. आवाज आ रही है ना मेरी? बोलो। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है? इज अ साइंस। इंस्ट्रूमेंटेशन इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल विद इन अ प्रोडक्शन और अ मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ओके, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। डिफरेंट टाइप्स होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, मीन्स सच एज इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मनुष्य इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एंड। विविध है। नाउ यस मैम। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटेशन इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट एंड कंट्रोल द प्रोसेस वेरिएबल विद इन अ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सच एज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन? पर्पस क्या होता है उसका? यस टेल मी, एनीवन नोस व्हाट इज द पर्पस, मेन पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन? सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन इज टू मेजर प्रोसेस कंडीशन, मीन्स प्रोसेस वेरिएबल इज इक्वल्स टू प्रोसेस पैरामीटर सच एज प्रेशर है, टेम्परेचर, लेवल, ह्यूमिडिटी, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हमको यूनिट थर्ड में। फर्स्ट इज द माइक्रोस्कोपी। कभी देखे हो माइक्रोस्कोप? यहाँ पे सेम SY का जो बॉटनी फर्स्ट का लास्ट यूनिट है ना, वही पूरा यूनिट है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे FY में अच्छे से करेंगे, SY में आपको इजी हो जाएगा। ओके, सेम टॉपिक है ये SY के बॉटनी फर्स्ट में। तो माइक्रोस्कोपी, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी एंड व्हाट इज माइक्रोस्कोप? यस, मेरी आवाज नहीं आ रही है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे आप लोगों को? नो वन रिप्लाइड मी। माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज इन लैब फॉर ऑब्जर्व द माइक्रो थिंग्स और सेल्स। ओके गुड, सो माइक्रोस्कोप इज अ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है राइट, यूज टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेकेड आई। ओके, एंड माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निकल फील्ड। यहाँ पे डिफरेंस है, माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है एंड माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग अ माइक्रोस्कोप टू व्यू अ सैंपल एंड ऑब्जेक्ट। ओके, दैट कैन नॉट बी सीन विद इन अनएडेड आई।
3.1 में हमको माइक्रोस्कोपी में देखना है, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिसेक्टिंग एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है, डिसेक्टिंग एंड अ कंपाउंड. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना है हमको. नेक्स्ट इज द कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. अच्छा, यहाँ पे टाइप्स नहीं दिए हुए आप लोगों को माइक्रोस्कोपी के, खाली कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस है. ओके, नेक्स्ट इज द कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो देखे आप लोगों ने कभी कलोरीमेट्री? कलोरीमेट्री इज द साइंटिफिक टेक्निक दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलर. कलर कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं ना कलोरीमेट्री से. तो इज अ साइंटिफिक टेक्निक है that used to determine the concentration of color compound in solution by the application of Beer-Lambert law. Okay, which state that the concentration of a solute is proportional to the absorbance. And next is the spectroscopy is the study of absorption and emission of light and radiation by matter. It involves the splitting of light, means more precisely electromagnetic radiation into the constituent wavelength, a spectrum, which is done in much the same way as a prism split light into a rainbow of colors. So the spectroscopy is the study of the absorption and emission of light and other radiation by matter. तो यहाँ पे हमको principle and application देखने colorimetry and spectroscopy के. Okay, समझ में आया व्हाट इज कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन बाय मैटर. एंड कलोरीमेट्री क्या है? यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलर कंपाउंड इन सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज द पीएच. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? pH stand for आपको प्रैक्टिकल के वायवा में ऐसे ही एकदम सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. नो वन नोज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH? पोटेंशियल हाइड्रोजन. यस, तो कब बोलेंगे? लेक्चर के बाद. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. So Sorensen's pH scale, then pH meter, principle and application. हमको इस pH में देखना है. So pH is a scale used to specify the acidity or a basicity of an aqueous solution. Acidity solution are measured to have the lower power value than basic or a alkaline solution. The pH scale is logarithmic and inversely indicate the concentration of hydrogen ion in the solution. Okay. नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस. कभी देखे आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूज? डिवाइस होता है ना, यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट वेरियस कंपाउंड ऑफ अ फ्लूइड. इज अचीव बाय स्पिनिंग द फ्लूइड एट हाई स्पीड विद इन अ कंटेनर, देयर बाय सेपरेटिंग फ्लूइड ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटी. ओके, तो सेंट्रीफ्यूज के भी हमको प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन देखने. नेक्स्ट इज द क्रोमैटोग्राफी. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रोमैटोग्राफी. और आई थिंक सबको सबका ये क्लियर ही होगा कंसेप्ट. व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी. सो आप लोग ही बताएंगे मुझे व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी, क्या होती है.
separation yes. of mixture. Method of separating yes. the constituents of. Okay, so chromatography is a process for separating component of a mixture. The different component of the mixture travel through the stationary phase at a different speed, causing them to separate from one another. Is a chromatography. Okay, chromatography is a technique for separating mixture into their constituent parts. So यहाँ पे हमको एप्लीकेशन देखना है. एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी लाइक इट इज यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर सब्सटेंस. देन इट इज यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग, उसमें प्रिंसिपल है एंड एप्लीकेशन. सो प्रिंसिपल इज द मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट थ्रू टू सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट बट देयर सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफरेंट. जो टू सब्सटेंसेस है डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट बट द सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफरेंट. द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी. ओके, यहाँ पे पार्टीशन दिया हुआ है, पार्टीशन एंड एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी. एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी इन विच सेपरेशन ऑकर बेस्ड ऑन द एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन पे जो है सेपरेशन एडसॉर्प्शन पे बेस्ड रहेगा. एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन. ओके, समझ में आया ना व्हाट इज पार्टीशन एंड एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो सब्सटेंस है सेपरेशन किस पे होगा, एडसॉर्प्शन पे डिपेंड करेगा. एंड इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक इज डिफाइन एज द सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट बिटवीन टू लिक्विड फेज बाय द ओरिजिनल सॉल्वेंट एंड द फिल्म ऑफ सॉल्वेंट यूज इन द कॉलम. देन लास्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू सेपरेट. यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सेपरेट होता है, एनीवन नोस? DNA, RNA or a protein molecule based on their size and electrical charge. Electrophoresis में DNA separate होता है. DNA और RNA और a protein molecule, but based किस पे, वो size and electrical charge पे. Okay? An electric current is used to move molecule to be separate through a gel. Gel use होते हैं. Means AGE and PAGE. So what is the full form of AGE and PAGE? Yes, pata hai aap logo ko? Aap log answer karte to mujhe pata chalta hai how much knowledge you have. इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ आप लोगों को. ओके, सो जैसे मैंने बोली यहाँ पे जेल यूज होता है. तो AGE मींस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड PAGE इज अ पॉलीएक्रिलिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, यहाँ पे दो जेल्स यूज होते हैं, AGE एंड PAGE. एग्रोस और पॉलीएक्रिलिमाइड जेल. यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पढ़ने. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब द माइग्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स और वी कैन सी द आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, so this is your syllabus of zoo. You complete why hamara samajh mein aaya pura syllabus? Yes ma'am.